ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ऑलरेडी किक्स कहीं ना कहीं रैंक कर रहे थे एंड दे हैव लॉस्ट देयर रैंकिंग पोजीशन, और दूसरा वो जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट लिया या कुछ अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, और द लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स ओनली फॉर द सीरियस पीपल हु हैव गॉट सम स्किल्स एंड दे आर सीरियस अबाउट फ्रीलैंसिंग। द फर्स्ट थिंग इज़ कुछ चीज़ें फाइवर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ आई सर्च अबाउट लोगो डिज़ाइन तो देर आर 74,000 प्लस गिग्स अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। दैट मीन्स कि अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं या आपकी लेवल 1-2 प्रोफाइल है, कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो इस मार्केट के अंदर पेज 1 पर रैंक करना इट्स नॉट दैट ईजी। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गुड नंबर ऑफ रिव्यूज, एवरेज सेलिंग प्राइस, ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ योर प्रोफाइल एंड सो फॉर एंड सो ऑन। बट इफ़ आई सर्च फॉर रेट्रो लोगो तो उसके अंदर देर आर ओनली 1,694 गिग्स। दैट मीन्स कि इस रेट्रो लोगो के अंदर देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। विंटेज लोगो अनदर वन, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे कंपटीशन तकरीबन, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये कंपटीशन ना होने के बराबर है। इसके अंदर आप बहुत क्विकली ऊपर आ सकते हो। सो रादर देन फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर लोगो डिज़ाइन ओनली, आप इस तरह कीवर्ड्स निकाल के कंपटीशन देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ओपन यू नो फ्यू टॉप गिग्स। इसके अंदर 7 गिग्स ऑर्डर्स इन क्यू, 51 ऑर्डर्स इन क्यू, लेवल 2 सेलर ओनली, 59 सिर्फ रिव्यूज़ हैं। तो उसने ही हैज़ जस्ट मेड प्लेट स्मार्ट और उसने विंटेज एक कैटेगरी को टारगेट किया होगा। सो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा ये गिग है, आई विल परफॉर्म वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ सर्विस विद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। लास्ट वीक इसको मैंने चेंज किया और ये मेरा एक ऐसा गिग है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता और इट्स जस्ट लाइक सम एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा ऑर्डर्स टू मी। तो स्टिल आई थॉट ऑफ टेस्टिंग दिस। तो इसका पहले टाइटल था आई विल क्रिएट हाई पी आर बैकलिंक्स। तो मैंने इसको जब मैंने फाइवर पर सर्च किया एस ई ओ के मतलब, तो इसके अंदर एस ई ओ सर्विस, यहाँ पे आप जो सर्च करते हो जो ड्रॉप डाउन के अंदर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसको नॉर्मली लोग फाइवर पे आके सर्च कर रहे हैं जो ऑटो सजेशन में आते हैं। सो एस ई ओ, ये अगर इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ परहैप्स आपको एस सी ओ में मेरा यहाँ पे गिग नज़र ही नहीं आएगा। दिस इज पेज 1, आई कांट सी दैट। पेज 2 के ऊपर भी नहीं है। पेज 3 के ऊपर भी नहीं है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपटीशन खाली एस सी ओ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। 26, 4, 24 इतने ज़्यादा यहाँ पे गिग्स अवेलेबल है। सो अगर मैं एस ई ओ सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। ओके और यहाँ पे ये मेरा गिग रैंकिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आई विल गो विद वेबसाइट एस ई ओ। वेबसाइट एस ई ओ के अंदर भी कंपटीशन स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है। ये मेरा गिग यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन 10,000 काफ़ी ज़्यादा, आई मीन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, स्टिल यहाँ पे मेरा गिग ये रैंक कर रहे हैं। ओके सो एक और लेट मी चेक वन मोर थिंग, एस यू बैकलिंक्स को भी चेक कर लेते हैं उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। इसके अंदर भी अच्छा खासा, आई मीन कंपटीशन नॉर्मल है, इट्स नॉट दैट मच। ओके एस सी ओ बैकलिंक्स में आई कॉन्ट सी दैट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कि यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट टाइम सर्च करने पे ना मिले, ये नहीं ये है यहाँ पे। सो इसके ऊपर भी आ रहा है। सो अगर आप देखो मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे लिखा और डिफरेंट आपको नंबर ऑफ किक्स मिले, लेकिन कलेक्टिवली देखोगे तो ये कुछ 30-35 हज़ार टोटल एक वॉल्यूम बनता है जो कि एक मेन जो एस सी ओ की कैटेगरी है उससे रिलेटेड है। सो दैट मीन्स कि अगर आप अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर लो एस सी ओ वाइज इन टर्म्स ऑफ दीज डिफरेंट कीवर्ड्स, तो यू कैन गेन अ लॉट ऑफ इम्प्रेशंस, क्लिक्स एंड परहैप्स ऑर्डर्स एज वेल इफ़ योर गिग इज़ रियली गुड। सो वॉट आई डिड, मैंने सबसे पहले अपना इसको गिग टाइटल को चेंज किया, मैंने वेबसाइट एस सी ओ को टारगेट करना था उसको इंक्लूड किया, फिर मैंने एस सी ओ सर्विस को डाला, फिर मैंने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स डाले, फिर मैंने एस सी ओ बैकलिंक्स को टारगेट किया, फिर मैंने वेबसाइट
बैक लिंक्स इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं, वेबसाइट बैक लिंक्स इसको मैंने चेक नहीं किया। सो वेबसाइट बैक लिंक्स इसके ऊपर भी मेरा गिग यहाँ पे आ रहा है। सो इस एक टाइटल से मैंने 5 डिफरेंट SEO कीवर्ड्स को टारगेट किया टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो इसी जो आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैग्स, ये जो टैग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका कोई वेब डिज़ाइन का गिग है, जैसे लोगो डिज़ाइन है, तो आप हर टैग के अंदर लोगो डिज़ाइन, गुड लोगो डिज़ाइन, बैड लोगो डिज़ाइन, नाइस लोगो डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें डाल देते हो। लेकिन टैग्स को आपने इस तरीके से कंसिडर करना है कि टैग्स थोड़े से इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, और इस तरीके से सोचना है कि ये जो आपका गिग है ये समझ लें एक ब्लॉग पोस्ट है, और आप ब्लॉग पोस्ट को रिलेटेड टैग्स दे रहे हो कि अगर कोई बैक लिंक्स टैग्स पे जाए तो आपको आपका आपकी पोस्ट नज़र आए, हाई क्वालिटी पे जाए। अब बैक लिंक्स हाई क्वालिटी ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन मैंने टैग्स हाई क्वालिटी से ये हुआ कि जो हाई क्वालिटी बैक लिंक्स, ये दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो मेरा गिग रैंक हो रहा है। वेबसाइट SEO एग्जैक्ट मैच में हाई अथॉरिटी लिंक्स, अब हाई अथॉरिटी बैक लिंक्स ये दोनों मैच कर रहे हैं तो गिग रैंक हो रहा है। लिंक बिल्डिंग अनदर टैग, सो जो आपके टैग होने चाहिए वो इस तरह से थोड़ा सा उनमें डिफरेंशिएट होना चाहिए। वो आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी एक तरह की कि एक ही आप एक ही तरह के कीवर्ड्स डाल दो, उस तरीके से आपने नहीं करना। अदरवाइज हो सकता है आपको रैंकिंग मिले, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी आई हैव शोन यू डैट माई दिस पर्टिकुलर गिग इज़ रैंकिंग ऑन 5-6 डिफरेंट मेजर कीवर्ड्स जो SEO से रिलेटेड हैं, जो लोग जिनको सर्च कर रहे हैं ये रैंकिंग में आ रहे हैं। और SEO खाली SEO का जो टोटल सर्च वॉल्यूम है और जो बाकी ये सारे कीवर्ड्स हैं वो उसके इक्विवेलेंट आता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर गिग्स इन ऑर्डर टू रैंक बेटर। दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच आई एम शेयरिंग विद यू, और ये आपके सामने मैंने टेस्ट किया, दिखाया आपको। इसके अलावा ये मेरा गिग था, इसका पहले टाइटल था लास्ट वीक आई विल इंक्रीज योर वर्डप्रेस स्पीड समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वर्डप्रेस यहाँ पे टाइप किया तो मुझे ये सुजेशंस मिली। ठीक है, अब ये जो एक कीवर्ड है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरे गिग से रिलेटेड है, ये कस्टमाइजेशन ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इसको सर्च कर रहे हैं। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यू विल सी मेरा ये गिग टॉप पे आ रहा है, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब उसके अलावा टैग्स की बात करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस वर्डप्रेस इंक्रीज, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन, ये टैग्स अभी इतने अच्छे नहीं है, ट्रस्ट मी। जो मैं आपको पहली बात बता रहे थे टैग्स इतने रिलेटेड नहीं है, बट अगेन मुझे एक ही कीवर्ड मिला तो उसके ऊपर मेरा रैंक हो गया, सो आई डिड नॉट बॉदर टू चेंज दैम, सिंपल इज दैट, राइट। तो टैग्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि मैं टैग्स कौन से यूज़ करूँ, तो लेट्स सी, मैं रेट्रो लोगो सर्च करता हूँ और देखते हैं कि ये भाई सब क्या कर रहे हैं। सो रेट्रो लोगो में इन्होंने टैग्स को इसके विंटेज लोगो, कस्टम लोगो, लोगो डिज़ाइन, यूनिक लोगो, रेट्रो लोगो, तो उसने जो अपने लोगो से रिलेटेड, अभी इसके अंदर भी लोगो स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ऑल दिस टैग्स दे आर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और वो मैच करते हैं गिग टाइटल के साथ। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन डू, यू कैन ऑप्टिमाइज योर गिग्स, लेकिन अपने गिग्स को कुछ भी चेंज करने से पहले आपने ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना है कि अगर आप लोगो डिज़ाइन में हो, तो अगर आप ये सोचोगे कि आप अपने गिग को, सॉरी, अगर आप ये सोचोगे कि मैं लोगो डिज़ाइन के अंदर रैंक कर जाऊँगा, आपकी प्रोफाइल या गिग के ऊपर कोई 5, 10, 50, 100, 200 रिव्यूज़ हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बट इट विल बी टफ। फॉर इंस्टेंस जैसे ये लेवल टू सेलर है, ओनली 73 रिव्यूज़, लेकिन ये लोगो डिज़ाइन के ऊपर रैंक कर रहे हैं। इस तरह के जो केसेस हैं, ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और बंदा आ रहा है, ये जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक और देखें उन्होंने वीडियोस भी डाली हुई है, यहाँ पे जो आपको इस तरह के जो गिग्स नज़र आते हैं वो मैनुअली हैंड पिक गिग्स होते हैं बाय फाइवर। ये उनका सर्च सिस्टम नहीं है, फाइवर खुद इनको थोड़ा सा एक्सपोजर देता है, और अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको रिव्यूज़ आते हैं, इनके मतलब क्वालिटी सब कुछ सेट है, तो ये फिर कुछ अरसे के लिए
आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, लेकिन इनकी एक परसिस्टेंसी बन जाएगी, ये यहीं पे कहीं घूमते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ फाइवर एक्चुअली गिव्स चांसेस टू न्यू कमर्स। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, वीडियो वीडियो यहाँ पे भी वीडियो, लेकिन इसके रिव्यूज़ भी कम है, इसके सिर्फ 16 रिव्यूज़ हैं 73। सो यू कैन ऑल्सो एड सम गुड वीडियोज़। Now, if you look at this video, this is really a nice video, engaging. और इस तरह की professional videos से पता चलता है कि you are serious about your work. अगर video इतनी अच्छी है तो उसका logo design कैसा होगा? बाकी ये portfolio, this is very important. आपने ये portfolio डालने हैं, इसकी वजह से भी you will get ranking boost, शायद आपको ना मिले, लेकिन people they will click on that, they will look at your portfolio and they will certainly contact you for a logo design. So this is exactly how you can rank your gigs in the recent times. So I wish you all the best, and do let me know okay if you have any feedback regarding this, or is cheez ko zarur test kijiyega, aur is video ke niche ye comments mein mere sath bhi share kijiyega aur baki community ke sath bhi, ke what exactly sort of results you have produced. Thank you.